तो गाइस ये कार है सियाज, इसी से जाएंगे हम। हे गाइस, आई एम सोहेल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज 20 जुलाई है और आज भी दोपहर के 3 बज रहे हैं। इतना लेट ब्लॉग शुरू करने का एक ही रीज़न है कि एक मुझे बुकिंग आई है। मैं सोचा था कि मैं शुरू करूँगा पहले, लेकिन मैं सोचा था कि जब बुकिंग पर जाऊँगा तभी शुरू करूँगा। हाँ, तो गाइस अभी मुझे जाना है बुकिंग पर। मुझे उनके कार पर बुलाया है कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गाँव है, वहाँ पर जाना है। तो उससे मेरी अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है। और हाँ, एक बात है गाइस कि मैं वो अकेला बंदा हूँ जो ब्लॉगिंग करता है, जो बुकिंग करता है, जो आज तक किसी ने नहीं की हमारे गांव से। तो वो मैं अकेला हूँ जो कर रहा हूँ। मैं भी कुछ न्यू लाना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी छोटा बड़ा काम होता नहीं, सब काम सेम रहते, सब काम इक्वल रहते। इसलिए सोचा कि ये एक न्यू रहेगा कि कोई बुकिंग पर जा रहा है, जैसे मैं अर्निंग कर रहा हूँ बुकिंग थ्रू। तो मैं सोचा कि मैंने भी वो ब्लॉगिंग शुरू करनी है कि मैं दिखा सकूँ कि ये ज़िंदगी मतलब आसान नहीं होती। खुद की कार तो कोई भी चला लेता है, लेकिन दूसरों की कार चलाना, उससे अर्निंग करना, फिर बाद में ब्लॉगिंग भी करना, तो ये गाइस एक ये भी बहुत अच्छा काम है कि लोगों को सीखने भी मिलता है इससे कि आप भी कर सकते हो ये। तो बस यही था गाइस बताने का। तो अभी मैं निकलता हूँ जल्दी जल्दी, उन्होंने मुझे कॉल लगाया, तो चलते गाइस। मैं आपको दिखाता हूँ उधर कार वगैरह, थोड़ा सा व्यू वगैरह दिखा लूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बात वगैरह कर नहीं सकता। तो मैं आपको चलो उधर का व्यू दिखाता हूँ, तो चलते गाइस। तो गाइस अभी मैं पैदल पैदल ही निकल रहा हूँ, क्योंकि बाइक वगैरह मेरी ख़राब हो चुकी है, इसलिए मैं सोचा कि पैदल पैदल ही निकल जाता हूँ। मस्त मौसम भी हो रहा है। तो गाइस अभी कार में आ चुके हैं, अभी चलते हैं। तो गाइस ये कार है सियाज, इसी से जाएंगे हम। और मुझे तरीके मतलब मॉडल वाले कार चलाने वगैरह मिलते हैं, तो मतलब बचपन से पैशनेट हूँ मैं ड्राइविंग के लिए, तो अच्छा लगता है। कार भी चलाने मिलती है, उससे मेरी अर्निंग भी हो जाती है। और बहुत सारे लोग हैं जो ड्राइविंग करते हैं, कार पर जाते हैं, बुकिंग पर जाते हैं, बट वो व्लॉगिंग वगैरह नहीं करते। मैंने सोचा कि ये इनिशिएटिव अच्छा है कि लोगों को पता है कि वो व्लॉगिंग करता है, और उनको पता है कि बहुत कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि जो आपके साथ जो लोग बैठे रहते वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ। तो मैं लकी हूँ कि मैं को इतना कुछ सीखने मिल रहा है। तो कार के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। वैसे मेरा कार वाला एक चैनल भी है, लर्न टू ड्राइव, उस पर मैं गाड़ी से रिलेटेड एक डाल भी लेता हूँ वीडियो। तो मैं आपको कार दिखा देता हूँ पहले। यह है सियाज, फुल्ली ऑटोमेटेड बट मैनुअल है, टॉप वेरियंट है इसका। तो जिनके साथ मैं अभी जा रहा हूँ वो टीचर ही है। तो मैं आज तक जितने भी कार पर गया था वो सभी लोग टीचर ही थे, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मतलब वो जो बात करते, वो जो बैठे रहते कार में, तो उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। हाँ, आज तक अगर मैंने ड्राइविंग की है तो सिर्फ सीखने के लिए ड्राइविंग की है, मैंने कभी अर्निंग के सोर्सेज से कभी गया ही नहीं। बट वो धीरे 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 करते करते वो मेरा कॉन्टैक्ट बढ़ा और मेरी अर्निंग भी हो गई। तो उससे मेरी अर्निंग भी हो गई और मेरा खर्चा भी निकल गया, तो इससे बहुत अच्छी बात है। तो अभी सर वगैरह आ रहे हैं, हम निकलते हैं थोड़ी देर में। मैंने स्टैंड भी नहीं लाया, मैंने ट्राइपॉड भी नहीं लाया, तो इसलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है। यहाँ से निकलेंगे अभी थोड़ी देर में। गाइस डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हम, ज़्यादा दूर नहीं था, साकोली से बस 20 किलोमीटर था, और हम पहुंचे 18 मिनट में, मतलब 15 मिनट में। स्पीड तो मेरी बहुत ज़्यादा कम थी, अभी मैं कार वगैरह लगा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। स्पीड मेरी कम थी बट रास्ता बहुत अच्छा है, इसलिए हो जाता है सब ठीक। तो हो गई गाड़ी पार्क, अब चलते हैं वो दुकान पर जहाँ पर मतलब लोहार के पास हमें काम था, उस लोहार की तरफ जाते हैं, उनको कुछ घर करके आते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने गाड़ी वगैरह पार्क कर ली है, लग गई कार, लग गई कार, लग गई। ये कौन सा काम है ये वाला? कौन सा काम बोलते हैं इसे, मतलब क्या करना चाहते हैं? ऐसे बनाना है क्या? तो गाइस ये यूज़ होता है स्लैब के अंदर, यहाँ पर मतलब इतना एरिया रहता है ना। अरे भाई साहब, तो गाइस बुकिंग की एक बात है, मतलब अगर आपके पास खुद के पास अगर कार ना हो, तो आपको कभी बुकिंग वगैरह है, तो आपका ट्रैवलिंग भी होता है, घूमना भी होता है, और व्लॉगिंग करने में जो इंटरेस्टेड होगा वो व्लॉगिंग भी कर सकता है और मस्त व्यू भी दिखा सकता है। तो उससे मतलब अर्निंग होती है, घूमना भी होता है, बातें भी करना होता है, और बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। तो मैं यही रीज़न है जो मुझे ड्राइविंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा मतलब मैं करियर नहीं मानता इसको, लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे ड्राइविंग करके। तो बस यही कुछ बात बताना थी। तो गाइस हम यहाँ पर आए थे एक रीज़न से कि वो जो रहता ना सलाक, उसको जो हुक रहते ऊपर लगे हुए जिस पर अपन फ़ैन भी वगैरह लटका सकते, तो वो हुक हमें यहाँ पर बनाना है। तो वो सिर्फ बना सकते थे लोहार लोग,
हमारे इधर लोहार लोग है ही नहीं, तो उस रीज़न से हम इधर लाखनी आए जो कि साकोली से 20 किलोमीटर दूर है, और उनके पास वो भी उस हर सलाख के हिस्से करेंगे छोटे 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 इतने, फिर उसको बेंड करके उसका एक हुक बनाएंगे जो प्लास्टर होने से पहले उसको लगाया जाता है, फिर प्लास्टर उसके ऊपर चिपकाया जाता है और वो हुक उसके ऊपर फिट कर दिया जाता है। तो उसी रीज़न से हम इधर आए थे, तो वो काम अभी हो रहा है धीरे धीरे, हम यहाँ से निकलेंगे कम से कम 1-1.5 घंटे बाद। अभी तो 4:04 हो गए, मैं जब निकलेंगे तब आपको बताता हूँ। तो गाइस चलते हैं अभी घर, अभी समय हो रहा है 4:45, रिटर्न लेना पड़ेगा गाड़ी। गाइस मेरा कहना है कि मैं किसी को रिकमेंडेड नहीं करूँगा कार चलाना, हाँ अपनी अपनी चॉइस होती है हर किसी की, कि मेरी चॉइस है इसलिए मैं अपना पैशन फॉलो करता हूँ। सामने जो भी मेरा वीडियो देखूंगा उनको बस एक ही रहेगा मेरा, अपना पैशन फॉलो कीजिए। हाँ तो गाइस ये मेरा पैशन था इसलिए मैं फॉलो करता हूँ, और बस और कुछ नहीं, क्योंकि चलते घर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्राइविंग वगैरह करना, बहुत मतलब पैशनेट हूँ मैं इसके। तो पहुँच गए घर के तरफ, अभी चलेंगे थोड़ी देर में घर। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता था उनके सामने क्योंकि रहता है एक। रिटर्न लेना पड़ेगा, रिटर्न लेना पड़ेगा ना, रिटर्न क्या है सीधी सीधी। तो हे गाइस अभी रात के हो रहे हैं 9:51, और मैं अभी ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ, वो इसलिए जब मैं कार से उतरा मैंने रिवर्स वगैरह लगाया और ज़्यादा उधर बात भी नहीं करने जमती थी। तो हाँ अभी मेन पॉइंट पर आते कि जब मैं घर पर आया और मैंने कुछ देर बाद देखा कि मुझे जो मैंने कल ब्लॉग किया था वो ब्लॉग डिलीट हो गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि बहुत दिल से बनाया था मम्मी ने उसमें, मतलब वो ब्लॉग में मेरे मम्मी ने भजिया वगैरह बना दी थी, बासुंदी भी बना कर दी थी, तो जिससे बहुत बुरा लगता है कि उतना अच्छा दिल से ब्लॉग बना और वो डिलीट हो जाए, बहुत बुरा लगता है बहुत। तो इसलिए मैं कुछ ब्लॉग एंड ही नहीं कर पाया, उसके बाद मुझे अच्छा ही नहीं लगा क्योंकि मैंने बहुत दिल से बनाया था वो, और मैं अभी यूट्यूब पर न्यू भी हूँ लेकिन वो दिल से बनाने वाली चीज़ कुछ अलग ही रहती, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ तो अभी बात करते हैं, जब मैं बुकिंग पर गया था तो आपने देखा कुछ सीन, कुछ शॉट्स मैंने लिए थे वहाँ के, और ज़्यादा मुझे वहाँ पर बात करने नहीं जमती थी क्योंकि स्ट्रेंजर्स लोग रहते हैं वहाँ पे, भी ब्लॉगिंग बहुत देख कर करनी पड़ती है, संभाल कर करनी पड़ती है क्योंकि उनका हम फेस नहीं दिखा सकते, वो भी हमारे लिए स्ट्रेंजर है ना, तो उनका हमने फेस नहीं रिवील किया, कुछ भी नहीं दिखाया, वो इसलिए क्योंकि ब्लॉगिंग करते समय ये सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि वो दिखाना है या नहीं दिखाना। तो मैंने उतने सफिशेंट शॉट लिए जितने मेरे को लग रहा था कि ये लेनी चाहिए, और बस गाइज इतना ही था। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो मेरा ब्लॉग डिलीट हो गया कोई रीज़न की वजह से हुआ होगा, तो जो हुआ वो अच्छा हुआ, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अभी इस ब्लॉग को अभी कर रहा हूँ मैं एंड, तो हाँ तो गाइस बस इतना ही था, आपको होप करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।